जब घर में कोई सब्जी नहीं होती है तो हमारी टोकरी में ये प्याज तो हमेशा होता ही है। तो आप चिंता ना करिएगा, प्याज से भी हम बहुत ही टेस्टी सी सब्जी बनाकर करेंगे तैयार। यहाँ पे मीडियम साइज के 6 प्याज लिए हुए हैं, आप देख सकते हैं। ये 2 जनों के लिए मैं सब्जी बना रही हूँ, ये देखिएगा। उसके लिए क्या करना है, हमें सबसे पहले प्याज को छील लेना। जैसे कि मैंने इनको ऊपर का छिलका है वो निकाल लिया है, और देखिएगा प्याज को कट कर लेना है इस तरीके से, आप देख सकते हैं। और हमें इसे मोटे मोटे क्यूब में कट करना है और इनको इस तरीके से खोल देना है, ये देखिएगा। ये देखिएगा, एक प्याज में से हमने 4 हिस्से किए थे और उन्हें इस तरीके से हमें खोल देना है। और जो बड़ा वाला हिस्सा है इसमें से एक और कर लेंगे ऐसे, और इसे भी हम खोल देंगे। तो बस ऐसे ही करते हुए हमें 6 प्याज जो हमारे हैं ना, उन्हें हम कट कर लेते हैं। बहुत ही झटपट से सब्जी बनाकर हम कर लेंगे तैयार, ये देखिएगा। बस इस तरीके से हमें प्याज को खोल देना है। देखिएगा फ्रेंड्स, सभी प्याज को मैंने इस तरीके से कट कर लिया है, और ये वजन में 250 ग्राम प्याज है। तो बस इसी तरीके से इसको कट कर लेना है। आप चाहो तो इसको धुलाई भी कर सकते हैं। अगर लग रहा है प्याज आपकी आँखों में लग रहा है, तो आप इसको छीलने के बाद धुलाई कर लेंगे तो आँखों में भी कम लगेगा। तो चलिएगा आप चलते हैं कढ़ाई की तरफ, आगे इसको कैसे बनाना है। तो देखिए गैस पे हमने पैन को चढ़ा दिया, इसमें डाल देंगे 1 चम्मच के करीब हम तेल। सब्जी बनाने के लिए हमने लिया है यहाँ पे सरसों का तेल। सरसों का तेल जब बढ़िया से गर्म हो जाएगा तो इसमें 1/2 छोटी चम्मच डाल देंगे हम जीरा इस तरीके से, और थोड़ी सी डाल देंगे हम इसमें हींग। हींग जरूर डालिएगा। दोनों चीज़ें बढ़िया से चटक रही हैं, तो हमने यहाँ पे 2 हरी मिर्ची को इस तरीके से कट कर लिया है। लहसुन के टुकड़े को लिया जो 1 इंच था, 4 से 5 यहाँ लहसुन की कलियाँ लिए जिसे इस तरीके से कट कर लिया। अदरक का 1 इंच का टुकड़ा है इस तरीके से, देखिएगा। इन्हें भी हम इसमें डाल देंगे और इन्हें बढ़िया से करेंगे फ्राई। अच्छे से हमें भून लेना है। लगातार चलाते हुए जब ये अच्छे से भून जाएंगे ना, तो देखिएगा, तो बस इसको इसी तरह से चलाना है। गैस की फ्लेम को हमें ज़्यादा हाई नहीं रखना है, वरना ये हमारे जल जाएंगे। कि जब ये चीज़ें अच्छे से भुन जाएगी, तो हमने यहाँ पे 2 टमाटर को पीस के रखा हुआ था, वो हम डाल देंगे इस समय। टमाटर का भी भुजना यहाँ बहुत ज़रूरी है। टमाटर भुज ही रहा है तो साथ में हम डाल देंगे यहाँ पर 2 लाल मिर्ची, और इसे भी टमाटरों के साथ में बढ़िया से हम भून लेते हैं। और साथ में डाल देंगे कुछ पिसे हुए मसाले, ताकि मसाले भी जब हमारे इसके साथ में अच्छे से भून जाएंगे तो अच्छा कलर और टेस्ट भी आएगा। तो मैं यहाँ ले रही हूँ लाल मिर्ची पाउडर, जो कि देख लें 1/2 छोटी चम्मच लाल मिर्ची पाउडर लिया हुआ है मैंने। मिर्ची आपने टेस्ट के अकॉर्डिंग लीजिए, कम या ज़्यादा जो भी आप लेना चाहते हैं उसके हिसाब से। आप चाहो तो यहाँ पर कश्मीरी लाल मिर्ची का भी यूज कर सकते हैं। और देखिएगा 1/2 छोटी चम्मच ले रही हूँ मैं यहाँ पर धनिया पाउडर, 1/2 छोटी चम्मच लिया यहाँ पर हल्दी पाउडर, और देखिएगा 1/2 छोटी चम्मच ही ले लेंगे हम यहाँ पे अमचूर पाउडर। अगर अमचूर पाउडर हो तो ज़रूर डालिएगा, नहीं हो तो आप यहाँ पे डाल सकते हैं नींबू का रस भी। तो मैंने यहाँ पे 1/2 छोटी चम्मच लिया अमचूर पाउडर। टेस्ट के अकॉर्डिंग लेंगे हम यहाँ पे नमक, कम या ज़्यादा आप जो भी पसंद करते हैं उसके हिसाब से। देखिएगा 1/4 चम्मच ले लेंगे हम यहाँ पर चाट मसाला। इसे डालने से क्या होगा ना, हमारी सब्ज़ी में टेस्ट बहुत ही ज़्यादा अच्छा आएगा। तो आप इसे ज़रूर डालिएगा, और सभी मसालों को हम अच्छे से करेंगे इसमें फ्राई। आप देख सकते हैं बढ़िया से इसमें जब मसाले भुनेंगे ना, तो खुशबू भी बहुत ही ज़्यादा अच्छी आएगी। तो बस इसको हम भून लेते हैं, और कुछ टाइम के लिए इसको ढककर रख देते हैं, ताकि इसमें जो भी तेल है ना थोड़ा सा बाहर निकल आएगा, और हमारा मसाला भी बढ़िया से भुन जाएगा। इसे थोड़ा सा हम ढककर पकाएंगे। 2 से 3 मिनट हो चुका है, अब हम मसाले को चेक कर लेंगे। तो देखिए तो मसाला हमारा बढ़िया से भुन चुका है, और तेल भी मसाले में से निकल चुका है, क्योंकि मैंने ज़्यादा तेल नहीं डाला हुआ था, तेल मैंने उतना ही डाला हुआ था। अगर आप ज़्यादा तेल डालेंगे तो इसमें ज़्यादा तेल दिखाई देगा। अब क्या करेंगे, हम यहाँ पे लेंगे दही, जो 2 बड़े चम्मच मैंने यहाँ पे लिया है दही। दही ज़्यादा खट्टा नहीं होगा तो और भी अच्छा लगेगा। तो बस यहाँ पे दही डाल देंगे, और दही डालने के बाद में बराबर से अपने मसाले को चलाएंगे, ताकि हमारा मसाला सही भुन जाए और दही हमारा बिल्कुल भी फटे नहीं। तो बस इसको लगातार चलाते रहेंगे, ताकि दही बिल्कुल फटे नहीं। तो बस इसको इसी तरीके से भूज लेते हैं, और देखिएगा 2 से 3 मिनट तक हमें इसे अच्छे से भूज लेना है दही को, ताकि दही जब अच्छे से भुन जाएगा तो दही का टेस्ट है ना, तो हमारी सब्जी में बहुत ही ज़्यादा अच्छा आएगा। तो बस आप इसको बराबर चलाते रहिए, और देखिएगा दही हमारा बिल्कुल भी नहीं फटा है, ये देखिएगा। बस अगर आप छोड़ देंगे तो दही हमारा फट जाएगा, इसलिए इसको चलाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो बस इसको इसी तरीके से हमने
तैयार कर लेना है। तो देखिएगा दही हमारा बढ़िया से भून चुका है। अब डाल देंगे हम यहाँ पे कट किए हुए प्याज, और प्याज को भी अपने मसाले के साथ में हम अच्छे से करेंगे मिक्स। ये देखिएगा, और प्याज तो बहुत जल्दी ही सॉफ्ट हो जाता है, नरम भी हो जाता है, तो इसको बस इसी तरीके से इसमें मिलाएंगे और थोड़ा सा ढककर इसको हम पकाएंगे। अच्छी तरह से इसको मसाले के साथ में मिला लेंगे। ये देखिएगा, हमारा बढ़िया से भून जाए उसके लिए हम इसको थोड़ी देर के लिए ढककर रख देंगे। हमारा बढ़िया से भून जाए इसके लिए हम थोड़ी देर के लिए इसको ढककर रख देंगे, और बीच बीच में चलाएंगे भी ताकि प्याज हमारा तली में बिल्कुल ना चिपक जाए। 3 से 4 मिनट हो चुका है, और देखेंगे अपनी सब्जी को, आप देख सकते हैं बढ़िया से बन के हो गई है तैयार। और इसे बीच बीच में मैंने चलाया भी था, ऐसा नहीं कि 3-4 मिनट के लिए मैंने इसको ऐसे ही ढककर छोड़ दिया हो, बीच बीच में मैंने इसको चेक भी किया है। अगर आपकी सब्जी में तेल की क्वांटिटी कम है तो आप इसमें थोड़ा सा पानी भी डाल सकते हैं, क्योंकि प्याज को गलने में थोड़ा तो पानी की ज़रूरत पड़ेगी। या तो इसमें तेल अच्छा होना चाहिए या फिर इसमें थोड़ा सा पानी, यानी कि 2 से 3 टेबल स्पून आप इसमें पानी डालकर इसको पका सकते हैं। तो देखिएगा इस तरीके से हमारा प्याज अच्छे से पक गया है, आप देख सकते हैं। ये देखिएगा, मैं आपको ऊपर से इस तरीके से दिखा भी देती हूँ, तो बढ़िया से ये सॉफ्ट हो चुका है, क्योंकि प्याज है, प्याज तो अच्छे से नरम हो ही जाता है। हमारा अच्छे से पक चुका है, अब इसमें डाल देंगे ऊपर से हरा धनिया, और बस इसको कर देंगे हम मिक्स। तो हमारी ये प्याज की दही वाली सब्जी बन के हो चुकी है तैयार, बहुत ही जल्दी से बन गई है। सो फ्रेंड्स, आप अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ इसे लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा, ज़्यादा अच्छा लगे तो अपने फ्रेंड के साथ शेयर करिएगा। तो अगली वीडियो में फिर मिलते हैं, जब तक के लिए बाय बाय।